हेलो वीवर्स, वेलकम इन माय वीडियो। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि एसक्यूएल कोड को विद व्हाइल लूप में कैसे प्रिंट करते हैं, आज हम व्हाइल लूप से कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ रैंडमली कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो देखिएगा व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है, जिससे हमारा व्हाइल लूप और अच्छे से एक्सेस हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन और अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया example5.c। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ कोड टाइप किया studio.h। ओके, मेन फंक्शन बॉडी, मैंने क्या करा, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर किए a b एंड c, और लूप चलाया, एक ले लेता हूँ d और एक ले लेता हूँ e। ओके, लूप चलाने के लिए मैं इसके अंदर यहाँ पे नेम के अंदर यहाँ पे i ले लेता हूँ। ओके, और आई की वैल्यू मैं वहां से 1 से स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, बी की वैल्यू में क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइल लगाऊंगा और मैंने क्या करूँगा, आई लेस देन, जब तक आई की वैल्यू कहाँ नहीं आ जाती, 5 तक नहीं आ जाती, तो उसे क्या करना चाहिए, आप ए की वैल्यू चेक करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो मैं कहना चाहता हूँ ए को प्लस प्लस करे और बी को माइनस माइनस करे, उसके बाद वो वैल्यू को क्या कर दे, उसके बाद वो c इक्वल्स टू a प्लस b प्रिंट करे, और d इक्वल्स टू उसे क्या कर देना चाहिए, a माइनस b प्लस प्लस कर देना चाहिए। ओके, इतना समझ आ रहा है आपको? ओके, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया, और e इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ यहाँ पे c प्लस को d कर दे, और यहाँ पे वो एक एक वैल्यू को प्रिंट करके चले, और हम इसके साथ हम इसको समझ के भी चलेंगे ये कोड कैसे काम कर रहा है। मैं इसको टेब वाइज प्रिंट कर दूं, परसेंट डी, सिलेस्टी, परसेंट डी, कितने वेरिएबल हैं, 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आई सिलेशन कॉमा ए बी सी डी ई, और उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस करें। तो पहले तो हम इसका क्या करते हैं, आउटपुट निकालते हैं, बाद में हम इसको कंपाइल करेंगे। देखिएगा, मैं थोड़ा सा पहले इसका आउटपुट आपको समझा देता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, मैं इरेजर लेके इसको रब कर, इसमें इरेजर तो नहीं है क्या, इसमें पेंडो, इसमें इरेजर होनी चाहिए यार, ये रही भूल गया, कंट्रोल के साथ प्लस इसके साथ बढ़ जाएगा, बस सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है इसमें, बस बस मजा आता है पेंडो इसमें। देखिएगा इसका आउटपुट समझते हैं, मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो है आपकी, ए की वैल्यू है 5, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ पेंसिल, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है, तो यहाँ मैंने 5 डाल दिया। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ए इक्वल्स टू आपका 5 है, इस मेरी राइटिंग थोड़ी साफ नहीं है, यहाँ ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू कितना आपका, ए की वैल्यू जो है आपकी वो है आपकी 5, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और जो बी है, बी की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 3 है, तो बी इक्वल्स टू आप यहाँ पे इसको 3 लिखेंगे आप। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 है, आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो आई इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसने यहाँ पे चेक करा आई की वैल्यू 1 है, तो 1 छोटा है 5 से, तो ये मेरा आई है, तो लूप लगा वाइल, और वाइल में क्या हुआ, वाइल में उसने कंडीशन सबसे पहले यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे क्या चेक किया, फर्स्ट टाइम आई इनिशियलाइजेशन 1 एंड देन कंडीशन चेक, व्हाट इज आई वैल्यू, आई हैव 1, 1 लेस देन 5, या कंडीशन ट्रू, कंडीशन इज ट्रू है आई लेस देन 5, देन ए प्लस प्लस, फर्स्ट टाइम ए हैव 5 एंड ए प्लस प्लस इज अ पोस्ट ऑपरेटर। ओके, बी इज पोस्ट ऑपरेटर, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस प्लस, तो वो इस लाइन में प्लस नहीं करेगा, जब ए को सेकेंड टाइम लिखा जाएगा तब जाके प्लस करेगा।
बी में भी यही बात है, बी की में भी पोस्ट ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी प्लस ना होके यहाँ अगले लाइन में माइनस होगा। देखिएगा ए की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो सबसे पहले क्या करेगा यहाँ पे, जैसे 5 है तो यहाँ पे आके ए कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, ओके। और बी कितना आपका, ए की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले यहाँ पे 6, तो ए अब कितना हो चुका 6, ए हैज बीन अपडेटेड एंड बी हैज बीन अपडेटेड। बी के पास कितना है, बी के पास आपका वैल्यू 3 है, तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। उसके बाद उसने क्या करा, ए और बी को ऐड करके कहां इंस्टॉल कर दिया, सी में। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख के चलूंगा इसकी वैल्यू, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख के चलता हूँ साथ के साथ, जैसे कि आपको पता लगता रहेगा। मैंने यहाँ पे ए टाइप करा टैब, बी टाइप करा टैब, सी टाइप करा स्पेस, डी टाइप करा स्पेस, ई टाइप करा स्पेस, और बस ए की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए की वैल्यू चलाते हैं, तो ए की वैल्यू आप यहाँ देखिएगा कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे तो 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ओके। अब बी की वैल्यू देखिएगा, बी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, 3 है, तो यहाँ पे तो 3 होगी, लेकिन यहाँ के माइनस होकर कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, हो गया, ओके। फिर यहाँ पे देखिएगा बी यूज हो रहा है, बी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पे तो क्या रहेगी, 2 रहेगी, लेकिन जब इसको प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे, 3, तो बी इक्वल्स टू आपका 3 प्रिंट हो जाएगा, ओके। बट सी कितना होगा, पहले तो यहाँ देखिएगा इस लाइन में ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, 6 थी, और इस लाइन में बी की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2 थी, तो 6 और 2 कितना हो गया आपका, 6 और 2 आपका हो गया 8, ओके। अब डी निकालते हैं, डी कितना था, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 6 थी, बी की वैल्यू इस लाइन में कितनी थी, बी की भी लाइन कितनी थी, ये थी, तो डी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 6 प्लस, सॉरी गलत कर रहा हूँ, बस मैं माइनस से, ध्यान से देखिएगा आप इसको, बोल को मत गलत करवाए। तो जो सबसे पहले लाइन यहाँ पे 6 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 6 में से आपका 2 माइनस होके यहाँ पे डी के अंदर जो बचता है वैल्यू, वो आता है हमारा 4, 6 में से 2 का। अब ई में क्या आता है, सी के पास देखिएगा, सी के पास कितना, 8 है, पर डी के पास कितना है, डी के पास जो वैल्यू है वो है 4, तो यानी के सी के पास 8 है और डी के पास कितना है आपका, डी के पास आपका है 4 और सी के पास क्या है 8, तो इन दोनों को प्लस करके यानी कि सी और डी, ये आ गया हमारा 12। तो यानी कि जो सबसे पहली लाइन है वो सबसे पहली लाइन का हमारा आंसर ये प्रिंट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं, ध्यान से कंपाइल करते हैं इस कोड को। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट लाइन ये आती है, बाकी लाइन हम बाद में चेक करेंगे। जीसीसी यहाँ पे आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल 5.सी टू सेट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोड में गड़बड़ आ रहा है कुछ, क्या गड़बड़ हो सकता है, चेक करें एक बार, दोबारा से कंपाइल करें, मेरा कोड कहाँ पर सेव है, सीडी कोड, सीडी लो, ओके सीडी, इसके बाद वाइल, इसके बाद जीसीसी, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एग्जांपल 5 डॉट, ओके इस बार रन हो गया, पहले बार कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद ये रन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लाइन को चेक करते हैं, देखिएगा हम फर्स्ट लाइन को कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, देखिएगा पहले 6 प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, या 6 प्रिंट हो रहा है। फिर b की वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है, 3 प्रिंट हो रही है। फिर इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है, 8 प्रिंट हो रही है। फिर इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है, 4 हो रही है। फिर इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है, 12। यदि आपको मैं एक बार नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार दोबारा से और समझा देता हूँ, देखिएगा एक बार ध्यान, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा इसको, ये किस तरह से चल रहा है। देखिएगा जैसे ए के पास कितना है, 5 है, बी के पास कितना है, 3 है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो उसने पहले यहाँ पे 1 को चेक करा, क्या 1 छोटा है 5 है, बिल्कुल ठीक है, चेक कर दिया। तो जैसे यहाँ पे ए प्लस प्लस लगा, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे ए के पास पहले वैल्यू क्या है, ए के पास वैल्यू क्या है, 5 है। तो मैंने आपको पोस्ट इंक्रीमेंट में पढ़ाया था कि जैसे आप ए प्लस प्लस करते हैं तो इस लाइन में पहले ए एग्जीक्यूट हो रहा है, वो जो प्लस होगा जब इस ए को दोबारा लिखा जाएगा, तो दोबारा लिखा कहाँ गया है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
ओके चलो ठीक है, सिक्स हो गया, इतना बात समझ आ गया आपको। ओके उम्मीद है कि मुझे समझ आएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, थ्री है। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी माइनस, तो ये भी देखेगा पोस्ट है तो इस लाइन में तो माइनस करने का नहीं, तो वो किस लाइन में, जब बी को दोबारा लेगा तो बी को तो यहाँ लिखा गया दोबारा, बी की वैल्यू कितनी थी तीन, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो इस लाइन में कितना आ गया इसका टू, और ये कितना आ गया था सिक्स, सिक्स और टू कितना हो गया आपका सिक्स, और ये सिक्स जो स्टोर हो रहा है वो सी, तो सी की वैल्यू आपकी सिक्स आनी चाहिए। चेक करें देखिए सिक्स प्लस टू तो एट आ चुका है, सॉरी सिक्स प्लस टू एट होता है, देखिएगा ध्यान से। ओके अब हम निकालते हैं ए, ए कितना आता है, अब जैसे ए की वैल्यू फाइव है, फाइव होने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया प्लस प्लस लग रहा है, तो वो इस लाइन में ना ऐड होके कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया सिक्स। अच्छा दोबारा कहाँ लिखा गया ए, तो क्योंकि इससे पहले तो कोई पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी ए की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी सिक्स रहेगी, और यहाँ पे आगे भी सिक्स रहेगी, तो देखिएगा यहाँ पे ए की वैल्यू सिक्स ही प्रिंट हो रहा है। ओके इसके बाद हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है थ्री है, तो थ्री तो यहाँ पे रहेगा थ्री, इसका माइनस होके क्या आएगा यहाँ पे हो जाएगा टू, टू होने के बाद में यहाँ पे टू ऐड हो जाए, बी को जब दोबारा लिखा है तो उसके साथ पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया गया जिसका मतलब होता है प्लस प्लस, और वो यहाँ ना ऐड करके वो यहाँ पे ऐड कर देगा, तो यहाँ पे इसका आंसर दोबारा से यहाँ पे थ्री आ जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारी थ्री प्रिंट हो जाएगी, देखिएगा थ्री प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, सी को तो हमारा आंसर आ गया, अब डी का आंसर क्या है, ए की वैल्यू क्या है वहां सिक्स है और बी कितना है आपका टू है, तो सिक्स माइनस टू कितना हो गया फोर, तो देखिएगा डी आपका फोर आ चुका है। ओके अब वो क्या कर रहा है, सी की वैल्यू देखिएगा यहाँ कितनी एट है और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है फोर है, तो एट यहाँ ना सी प्लस डी, तो कितना हो गया एट प्लस फोर कितना हो गया आपका यहाँ पे ट्वेल्व, तो देखिएगा ट्वेल्व आ गया। फिर जैसे उसने आई में प्लस करा तो आई की वैल्यू आपकी कितनी होगी टू, अब सेकेंड लूप चलाते हैं, आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी टू, जैसे आपने टू चलाया तो आप देखते हैं कि हमारी किसकी वैल्यू क्या रहती है, ए आपका लास्ट वैल्यू क्या है सिक्स है, तो देखिएगा यहाँ पे तो ऊपर तो जाने लूप से नीचे आएगा यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे क्या ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है सिक्स है, तो यहाँ पे क्या रहेगा सिक्स ही रहेगा, लेकिन जब इस ए को दोबारा लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा सेवन, सेवन हो गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट क्या थी सिक्स थी ना, तो अब यहाँ पे ए कितना हो चुका सेवन, बी की वैल्यू लास्ट हमारी कितनी आई थी थ्री थी, तो यहाँ आके जब वो माइनस करेगा तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा वो इधर पे आके नेक्स्ट लाइन में टू हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा सेवन प्लस टू, तो जो सी आने वाला है आपका यहाँ पे इस कंडीशन में, इसको दोबारा लिख देता हूं कोई बात नहीं, जो ये है ये सेवन आ जाएगा, और जो बी बी प्रिंट होने वाला है जो बी है बी आपका दोबारा से टू आने वाला है, बट सी कितना आएगा, सी की वैल्यू का आंसर क्या है यहाँ पे, सी जो है आपका यहाँ पे देखिएगा दोबारा से ई की वैल्यू सेवन है और बी अपने आप में कितना है टू है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वो नाइन आ जाएगा, ऐसी बात है सेवन और टू कितना हो गया नाइन हो गया, आएगा नहीं आया समझ, दोबारा से देखें एक बार यार कंफ्यूजन है, बी की वैल्यू लास्ट कितनी थी थ्री थी, तो थ्री आके यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे टू हो गया कि नहीं हो गया, और ए की वैल्यू यहाँ सिक्स थी तो यहाँ के सेवन हो गया, तो सेवन और टू कितना हो गया आपका नाइन हो गया, बिल्कुल सही है। ओके अब डी कितना आता है, डी देखते हैं, डी आपका यहाँ ए का वैल्यू कितना है सेवन है, तो यहाँ बी कितना है आपका सेवन में से आप कितना माइनस करेंगे टू, तो यहाँ पे आपका फाइव आना चाहिए। ओके अब उसके बाद क्या कर रहा है, ई क्वेश्चन क्या कर रहा है सी प्लस डी, सी कितना आपका सी इस बार मेरा नाइन है और डी कितना है मेरा फाइव है, तो इन दोनों को जोड़ करके आंसर कितना आता है फोर्टीन आता है, सेकेंड लाइन का आंसर चेक करें क्या रहा है, यही मिलना चाहिए जहाँ बिल्कुल देखिएगा वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी चेक करें एक बार, गड़बड़ क्या हुआ है हमारा बी में हुआ है, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया क्या घपला कर दिया, चेक करें आप दोबारा से चेक करें, बी की वैल्यू हमारी लास्ट थी थ्री, थ्री होने हो ये गड़बड़ क्या था, क्योंकि यहाँ दोबारा बी में प्लस हो रहा है, जब भैया बी में प्लस यहाँ होगा क्योंकि यहाँ आके टू हो चुका था, और यहाँ जब बी में प्लस करेंगे तो बी तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, बी तो यहाँ आपका वो हो जाएगा ना थ्री, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, तो बी तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका थ्री हो जाएगा, समझ आया आपको बात, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, अब आप मैंने थोड़ा एक स्टेप छोड़ दिया था, कोई नहीं अगला स्टेप हम दोबारा से और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ, सॉरी हाँ
तो B3 हो गया, और बाकी के आंसर चेक कीजिएगा आपके, देखिएगा 9 भी आ गया हमारा आंसर, 5 भी आ जाएगा, और 12 थोड़ा सा बस वहीं गड़बड़ हुआ था। अब दोबारा से हम लूप चलाते हैं, देखिएगा इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, कई बार मैं कर जाता हूँ गलती। ओके, अब A का जो लास्ट वैल्यू है वो कितना आपका 7 है, तो जैसे मैंने आई में प्लस करा तो आई की वैल्यू तो कितनी हो चुकी थी, आई की 2 हो चुकी, इस बार 3 हो गया, तो उसने यहाँ पे ऊपर जाके 3 चेक करा, 3 छोटा है आपका किससे, 5 से छोटा है, तो ए की लास्ट कितनी थी 7, तो यहाँ तो 7 रहेगी, जैसे आप यहाँ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे ए क्या हो गया 8, बी की लास्ट वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2 आई थी, सॉरी 3 है, गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज, और इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट कर, मैं दोबारा टाइप ना करके यहाँ 3 रख देंगे। ओके, अब इसको मैं दोबारा से लूप चलाते हैं, अगली बार हम इसको बहुत केयरफुली चलाएंगे। ओके, थोड़ा सा इसको समझना है आपको, देखिएगा ए का वैल्यू लास्ट कितना था 7 था, तो जैसे यहाँ पे आके 7 का इसका यहाँ प्लस लग रहा है, तो इसका प्लस इफेक्ट यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 होने के बाद में बी की वैल्यू लास्ट कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पे बी माइनस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया 8 + 2, पहले तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 8 आई। ओके, बी कितना आएगा, जैसे बी की लास्ट थी 3, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया वो यहाँ पे फिर प्लस हुआ, माइनस हुआ तो कितना हो गया वो 2 हुआ, 2 होने के बाद में देखिए यहाँ पे बी में प्लस लग रहा है, तो बी की वैल्यू दोबारा से यहाँ कितनी होगी 3, तो बी दोबारा से यहाँ पे 3 आने वाला है, बट यहाँ कितना आने वाला है सी में, यहाँ ए की वैल्यू 8 हो चुकी थी, लेकिन जैसे बी की वैल्यू यहाँ पे 3 हुई थी, तो 3 होकर उसे यहाँ पे माइनस हो गया था, तो बी कितना हो गया 2, तो 8 + 2 कितना हो गया आपका 10 आ रहा है। ओके, इसके बाद फिर क्या कर रहा है वो, डी इक्वल टू क्या कर रहा है, डी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 8 है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है आपकी 2 हो रही है, तो ध्यान से देखेंगे 8 माइनस में से आपका कितना गया, 8 में से आपका 2 गया, तो कितना बच गया आपका 6 बच गया। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है ये, सी की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 10 है, और उसके बाद डी की वैल्यू आपकी कितनी है आपकी यहाँ पे 6 है, तो कितना हो गया टोटल 16। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, एक बार हम लास्ट आउटपुट चेक करते हैं, उसके बाद शायद गलती ना मिले हमारी, देखिएगा 8 आ रहा है आंसर, मैच कीजिए 8 आ गया, इसके बाद 3 आ रहा है, देखिएगा मैच कीजिए 3 आ गया, 10 आ रहा है मैच कीजिए 10 आ चुका है, 6 मैच कीजिए 6 आ गया, उसके बाद 16 मैच कीजिए 16 आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस यही सारे आउटपुट बना दूंगा, इस बार आंसर हमारा 9 आएगा, इसमें तो इंक्रीमेंट वही रहेगा, यहाँ 3 आएगा, इसमें 11 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और इसमें 2 का डिफरेंस है तो ये 18 आ जाएगा, लूप 5 टाइम्स चला हुआ, एक और चलेगा तो ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20। तो आप देख सकते हैं यही शायद यही डिफरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला, आप चेक कर सकते हैं मेरा। ओके व्यूअर्स, यू हैव अंडरस्टैंड ऑफ दिस वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट्स ऑन द कमेंट ऑफ सेक्शन बॉक्स, एंड इफ यू आर न्यूजर तो प्लीज सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल फॉर अपकमिंग ऑफ दिस वीडियो। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। ओके व्यूअर्स, थैंक यू।